सरगुजा में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के अनियमित कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने श्रम सम्मान की राशि दिए जाने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि विगत 4 महीने पहले श्रम सम्मान की राशि दी जा रही थी, जबकि शासन के आदेश अनुसार अन्य विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि दी जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि मांग पूरी ना होने पर सभी अनियमित कर्मचारी हड़ताल करेंगे। वहीं इस मामले में स्थानीय विधायक और कुलपति ने मांगों को जायज बताते हुए कर्मचारियों की मांग को शासन स्तर पर भेजने की बात कही है। कर्मचारी हड़ताल पे है, आज हम लोग का सांकेतिक हड़ताल है और कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हम लोग का सर 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि निधि जो शासन ने घोषणा की थी पिछले वर्ष 2023 में, हम उसी मांग को लेकर के हमको क्या हुआ, फर्स्ट में 2 महीना दिया गया, उसके बाद अचानक से ये बंद कर दिए। बंद करने का कोई आदेश शासन से नहीं आया और न किसी प्रकार का कोई और भी कुछ कागज आया, लेकिन ये लोग अपने मनमाने ढंग से कुलपति और रजिस्ट्रार महोदय बंद कर दिए। जब सभी डिपार्टमेंट को, छत्तीसगढ़ के सभी शासन के समस्त विभाग को 4,000 रुपया श्रम सम्मान राशि निधि प्राप्त हो रहा है और हम विश्वविद्यालय वाले को 2 महीना देकर के बंद कर दिया गया, ये हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। सीधा सीधा ये अन्याय के श्रेणी में आता है। हम लोग उसी अपने जायज मांग को 4,000 रुपये हमको दिया जा करके हम पूरे हड़ताल में बैठे समस्त कर्मचारी। नहीं, वो जो मांग कर रहे हैं, मैं अभी चर्चा भी किया कुलपति महोदय से, वो श्रमिक सम्मान की मांग कर रहे हैं। श्रमिक सम्मान की घोषणा भूपेश बघेल जी ने की थी, वो लेबर के लिए है। सर लोगों ने बताया, पिछले बार भी मेरी ये लोग पिछले बार भी मिले थे, उस समय भी मैं चर्चा किया था, वो लेबर की सम्मान राशि है, न कि किसी कर्मचारी के लिए है। दो महीना बाई मिस्टेक दिए थे, लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं नहीं दिया जा रहा। ये लोग जब मेरे को बताए थे तो मैं कई जगह पता लगवाया था, कहीं नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इनकी मांग जायज है, शासन में अपन मांग करेंगे। अगर ऐसा कोई प्रावधान हो तो इनको मिले तो बहुत अच्छी बात। मैं इन लोगों का कहना है, मैंने रेंसा साहब से कहा भी है, और नियम में जा रहा होगा तो हम 100 बार करेंगे, और नियम में नहीं आ रहा है तो करने की स्थिति पर तो हो रहा है, अभी भी हो रहा है। मैं बात करता हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये लोग भी अपनी मांग को लेकर के अपनी जिद पर हैं, हम किसी को समझा ही सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये जो स्थिति बनी हुई है,